Hello everyone, welcome to the class number 2 of HTML based web pages covering basic tags chapter. Okay, तो last class में हमने ये पढ़ा था कि HTML क्या है, HTML हम क्यों use करते हैं, okay, और hypertext और hyperlink के बीच difference देखा था. तो आज हम पढ़ेंगे basic HTML elements या फिर basic HTML tags के बारे में. जैसे कि हमने पढ़ा HTML एक क्या है, HTML एक markup language है. मार्कअप लैंग्वेज मतलब ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स यूज करते हैं प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए, मतलब कोड लिखने के लिए इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स को यूज करते हैं. तो यहाँ पे टैग जो यूज होता है वो टैग क्या है, इट इज एन एलिमेंट, एक पार्ट है HTML का, जिसको हम क्यों यूज करते हैं, व्हिच इंस्ट्रक्ट्स द वेब ब्राउजर व्हाट टू शो एंड हाउ टू शो. तो मेनली जबकि हम HTML यूज करते हैं वेब पेज वेबसाइट्स बनाने के लिए, तो हम जो वेब पेजेस देखते हैं कहाँ पे देखते हैं, कोई ना कोई वेब ब्राउजर यूज करके देखते हैं. तो ये जो HTML टैग्स हम यूज करते हैं, ये HTML टैग्स हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि ये कंप्यूटर के जो वेब ब्राउजर है उस वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता है कि हम ये जो वेब पेज बनाए हैं इस वेब पेज का कौन सा पार्ट कैसे दिखाना है और कहाँ पे दिखाना है, क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए या फिर इन सारी चीजों के लिए जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको हम बोलते हैं टैग्स. ओके, समझ आ गया. तो HTML टैग हम क्यों यूज करते हैं, वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि हम जो भी टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं हमारे वेब पेज में तो क्या क्या दिखाना चाहते हैं और कैसे दिखाना चाहते हैं, दोनों चीज डिफाइन करता है कौन, HTML टैग. समझ आ गया. तो हम क्या करते हैं, HTML टैग्स जो यूज करते हैं टैग्स के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी यूज करते हैं. तो एट्रीब्यूट्स मतलब क्या कि प्रॉपर्टीज, हम कोई भी टैग अगर यूज कर रहे हैं तो उस टैग के साथ कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या फिर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं उस टैग के साथ एट्रीब्यूट्स. एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होगी ये जो टेक्स्ट लिखे हैं ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, अगर आप इनको रेड कलर या फिर कोई अदर कलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट देख रहे हो ये लेफ्ट साइड से शुरू है, अगर आप इसको सेंटर से शुरू करना चाहते हो या फिर राइट साइड से शुरू करना चाहते हो, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि आप टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो ये बोल्ड में आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको इटैलिक में दिखाना चाहते हो या फिर अंडरलाइन फॉर्म में दिखाना चाहते हो, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप एड करना चाहते हो अपने टेक्स्ट के साथ, जो टेक्स्ट को आप कोई एक पर्टिकुलर टैग के अंदर रिप्रेजेंट किए हो, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज करना पड़ेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अपने टेक्स्ट के साथ ऐड करके उसको अलग तरीके से अपने वेब पेज में वेब ब्राउजर के माध्यम से दिखाने के लिए. ओके, ईच टैग, हम जो भी टैग यूज करते हैं HTML में, हर एक टैग एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसको, वेब ब्राउजर को. हर एक टैग एक अलग अलग सा क्या करता है, हर एक टैग एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है वेब ब्राउजर को. हम अगर बी टैग यूज करते हैं मतलब वो इंस्ट्रक्शन देता है वेब ब्राउजर को कि बी टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा उसको तुम्हें बोल्ड के फॉर्म में दिखाना है. अगर आई टैग यूज करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन देता है वेब ब्राउजर को कि आई टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा उसको तुम्हें इटैलिक के फॉर्म में दिखाना है. तो ये जो जितने भी टैग हम यूज करते हैं सारे टैग्स कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं वेब ब्राउजर को, और ये सारे टैग्स जो हम यूज करते हैं ये सारे टैग्स एनक्लोज होके रहते हैं, मतलब एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं. समझ आ गया. तो ये जो टैग्स हैं मेनली दो तरह के होते हैं या फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक पार्ट है पेयर्ड टैग और एक पार्ट है अनपेयर्ड टैग और सिंगुलर टैग. तो पेयर्ड टैग मतलब क्या, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसका दो ठो टैग होंगे, जिस तरह के टैग्स के हमेशा एक स्टार्टिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है उसको हम बोलते हैं पेयर्ड टैग. जैसे कि एग्जांपल आपको नीचे दिया गया है आप देख सकते हो, जैसे कि HTML इसका एक स्टार्टिंग टैग है, ये है क्लोजिंग टैग. तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा स्टार्टिंग टैग है कौन सा क्लोजिंग टैग है, अगर कोई टैग के अंदर सिर्फ कुछ लिखा गया है तो वो है स्टार्टिंग टैग, और फॉरवर्ड स्लैश अगर लगा है तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये है एक क्लोजिंग टैग. तो हर एक टैग का जिन सारे टैग्स का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है उस तरह के टैग्स को हम बोलते हैं पेयर्ड टैग्स, और जिस तरह के टैग्स के ओनली स्टार्टिंग टैग होते हैं पर कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता या फिर एंडिंग टैग नहीं होता उस तरह के टैग्स को हम बोलते हैं अनपेयर्ड टैग और सिंगुलर टैग.
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो br टैग, hr टैग, इमेज टैग, ऐसे कुछ स्पेसिफिक टैग्स हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, तो इस तरह के टैग्स को हम बोलते हैं अनपेयर्ड टैग, और जिस तरह के टैग्स के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं उस तरह के टैग्स को बोलते हैं पेयर्ड टैग्स। तो समझ आ गया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि HTML क्या है। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसको हम यूज करते हैं वेब पेजेस या फिर वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो HTML लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टैग यूज करता है अपने टेक्स्ट को वेब ब्राउजर में रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर वेब ब्राउजर में हम हमारे टेक्स्ट को हमारे वेब पेज में किस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ HTML टैग्स। और जितने भी तरह के HTML टैग्स हैं उनको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट है पेयर्ड टैग और एक पार्ट है अनपेयर्ड टैग। पेयर्ड टैग मतलब जिस तरह के टैग्स के स्टार्टिंग टैग के साथ साथ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं उस तरह के टैग्स को हम बोलते हैं पेयर्ड टैग्स, और जिस तरह के टैग्स के ओनली स्टार्टिंग टैग तो होते हैं पर क्लोजिंग टैग नहीं होते तो उस तरह के टैग्स को हम बोलते हैं अनपेयर्ड टैग। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि HTML के टैग्स जो है वो मेनली क्यों यूज होते हैं। HTML के टैग्स के साथ हम एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करके हमारे टेक्स्ट को और ज्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए। और जो भी हमारे टैग्स हैं HTML में जिनको हम यूज करते हैं वेब पेजेस वेबसाइट्स बनाने के लिए, वो सारे टैग्स मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक पार्ट है पेयर्ड टैग और एक पार्ट है अनपेयर्ड टैग। ओके, तो अगले क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।